नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर शराब के नशे में शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहनकर अपने दोस्त के साथ शीतला माता रोड पर डांस किया। उनकी सफेद रंग की फॉर्चूनर गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था। उनकी गाड़ी बीच रोड पर पार्क थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। कुछ स्थानीय ढाबा मालिकों और ड्राइवरों ने उन्हें अपनी गाड़ी रोड से हटाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वाले ने अपने पद का फायदा उठाते हुए कहा, मैं इंस्पेक्टर हूँ और रोड पर डांस कर सकता हूँ। पुलिस वाले ने उन सभी को वहां से भगा दिया। पुलिस वाले की ये हरकत आधे घंटे तक जारी रही, जिसकी वजह से गाड़ियों की लाइन लग गई। ड्राइवर मूक दर्शक बनकर इस अजीब डांस ड्रामा को देख रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस पेट्रोलिंग की एक गाड़ी वहां पहुंची, लेकिन इंस्पेक्टर ने हिलने से मना कर दिया और उनके साथ भी बदसलूकी की। इसके बाद पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर और उनके दोस्त को अपनी जीप में डाला और सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन ले गई। आरोपी पुलिस की पहचान तरुण धैया के तौर पर हुई, जो कि गुरुग्राम से 35 किलोमीटर दूर नूह जिले के तावरू क्राइम यूनिट का इंचार्ज है। सूत्रों का कहना है कि धैया का परिवार गुरुग्राम पुलिस लाइंस में रहता है और एसयूवी उसकी ही थी। सब इंस्पेक्टर सुकेंद्र कुमार द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट के अनुसार धैया और उनका दोस्त बीच रोड पर खड़ी एसयूवी के सामने रात के 1:20 पर डांस कर रहे थे। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि एसपी जयसिंह और पास के थाने के एसएचओ को बुलाया गया। ये सभी उस समय पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, जब धैया को सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन लाया गया था। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।